हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने वी ब्लॉक कैसे डिजाइन करना है सॉलिडवर्क्स के अंदर। ये ट्यूटोरियल उनके लिए जो पार्ट मॉड्यूल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट मॉडल वो ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, न्यू पे जाना है, पार्ट देन ओके। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक प्रेशर वे से इसको कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, और एक प्रोफेशनल वे से इसको कैसे बनाना है बेसिकली। तो एक बार के लिए प्रेशर वे की बात करते हैं। तो फीचर्स पे गए, एक्सट्रूड पे क्लिक किया, हमने प्लेन को सिलेक्ट करना है जिस भी प्लेन पे हमने काम करना है। तो फर्स्ट टाइम में हम जब इसको बनाते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं, तो क्या होता है बेसिकली, लाइन कमांड ली हमने, कहा कि लाइन, और यूं क्लिक किया। फिर हम जाते हैं डायमेंशन पे, इस पे क्लिक किया, देन अगेन मैंने कहा 15, एंटर डायमेंशन दे दे। फिर अगेन लाइन, और ये जो वैल्यू है क्लिक डायमेंशन, इसको क्लिक किया 25, एंटर। फिर ये जो है ये 5 है, तो लाइन कमांड पे गए, दिस क्लिक किया डायमेंशन। अभी क्या हो रहा है, हम एक लाइन लगाते हैं और उसकी डायमेंशन देते हैं, फिर लाइन लगाते हैं, फिर डायमेंशन देते हैं। तो इससे हमें मॉडल बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि इंडस्ट्री वाले ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते कि आपको किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने में टाइम ज़्यादा लगे। हमने यही देखना कि टाइम कम कैसे लगना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट वे। तो ये फर्स्ट मेथड है जिससे हम सोचते हैं कि हम इसको ड्राइंग को बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ बेसिकली। और एक ये भी हो सकता है कि हमने लाइन कमांड ली और वो शेप बनाने स्टार्ट कर दिया हमने, जो शेप इसके अंदर बनी हुई है। ये शेप बनाने के बाद क्या करते हैं कि भी जो जो डायमेंशन है और वो हम दे डालेंगे। तो अब इसमें क्या रह गया, डायमेंशन देनी है हमने। डायमेंशन पे गए, दैट इज 15। अब फिर इसमें जो एंगल है 120 डिग्री, दिस लाइन 120। अब ये देखो ये क्या हो रही है, इसमें मर्ज हो गया। तो अब हमें इसे ठीक करना पड़ेगा, डिलीट करके दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह टाइम वेस्टेज है। जब तक हमें ड्राइंग बनाने का परफेक्ट वे नहीं पता लगेगा, तब तक हम बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे जिसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये टोटल साइज ये और ये टोटल साइज ये बना के उसको एक्सट्रूड कर देते हैं, बाद में इसमें ये शेप बना के कट करते हैं, ये शेप बना के कट करते हैं। नहीं, अगर हमें ये लगता है कि ये शेप वन टाइम में ही बन पा रही है, तो हम ट्राई करेंगे इसको वन टाइम में ही बनाए। तो अब प्रोफेशनल वे से इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने क्या करना है, ये अप डाउन लेफ्ट राइट चारों साइड से हमें सेम नजर आ रहा है, तो मैं इसको सेंटर में बनाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए हमने एक सेंटर लाइन लगानी है। सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लगानी है, एक वर्टिकल लगानी है, सॉरी ये सेंटर लाइन लगानी है हमें। अब अगर हमने ये सेंटर लाइन लगा दी है, तो इसको सेलेक्ट करके हम फोर कंस्ट्रक्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब लाइन कमांड पे गए, मैंने क्या किया, एक लाइन लगाई और डायमेंशन पे जाना है, खाली उसकी डायमेंशन दे दो। इस लाइन को हमने ब्लैक करना है, इस लाइन पे क्लिक किया, हमने वैल्यू फिल की 15। नाउ अब ये ब्लू है, क्यों, हमने यहां से एक्स से और वाई से इसकी लोकेशन देनी है, तब ये ब्लैक हो जाएगी। इस पे क्लिक किया, अभी हम सेंटर लाइन से नीचे आ रहे हैं तो ये डायमेंशन दिखा रहा है,
जो कि 32 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है, और ये 25 होनी चाहिए, तो नहीं 25 नहीं, ये अगर टोटल की बात करें तो ये 25 प्लस 25 प्लस 10 60 की हाफ होनी चाहिए, मीन्स 30 होनी चाहिए। तो एक तो मेथड है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 30 वैल्यू फिल कर दें। एक मेथड ये है कि हम अगर सेंटर लाइन से ऊपर चले जाएंगे तो टोटल वैल्यू दिखाएगा, नीचे आएंगे तो हाफ, ऊपर आएंगे तो फुल। तो क्लिक आई सेड 60। नाउ अब ये लाइन तो ब्लैक हो गई है, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये देखो ये इधर मूव कर रही है, इट मींस यहां से भी हमने इसकी लोकेशन सेट करनी है। डायमेंशन पे गए, दिस एंड दिस, तो यहां से हाफ आएगी, यू आने तो फुल आएगी, और हमने फुल जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। या फिर जैसे इसने 15 प्लस 30 प्लस 15 किया हुआ है, तो 15 प्लस 30 प्लस 15 भी किया जा सकता है। नाउ अब हम एक साइड बना देंगे लाइक यूं गए और ये लाइन लगाई हमने एंगल में, देन दिस दिस, एस्केप, फिर लाइन कमांड पे गए, दिस पॉइंट और दिस दिस एंड क्लिक। नाउ अब हमने मिरर कमांड पे जाना है, इसको सेलेक्ट करना है हमने, देन मिरर अबाउट यहां पे क्लिक करना है और दिस लाइन, देन ओके। नाउ मिरर एंटिटी, अब हमने ये जो हाफ बन गया इसको सेलेक्ट करना है, मिरर अबाउट दिस लाइन, देन ओके। अब ये शेप आ गई हमारे पास, हमने इसकी डायमेंशन फिल करनी है, सो डायमेंशन पे गए, दिस लाइन। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, जो डायमेंशन हम एक साइड देंगे मिरर करने का बेनिफिट क्या होगा, वो दोनों साइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अभी जैसे 5 है और इसकी जो विड्थ है वो 10 है, तो मैंने क्या किया यहाँ आके मैं इसको 10 फिल करता हूँ, जैसे मैं इसको 10 फिल करूँगा सेकंड साइड ऑटोमेटिकली 10 हो जाए। सो तो मिरर करने का ये बेनिफिट है। 125 मैंने कहा इसको 120, देन ये जो हाइट है 2 है, 2 एंड दिस डायमेंशन इज 5। तो सारी ड्राइंग ब्लैक हो चुकी है और कम टाइम में बनी है, देन ये सब होने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। नाउ इट रिक्वायर्स द थिकनेस, अब जब भी हमने इसकी थिकनेस देनी है तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ब्लाइंड लिखा होता है ना, ब्लाइंड का मतलब होता है सिंगल साइड, सपोज मैंने यहाँ पे 80 किया तो ये या तो अप साइड चला जाएगा या यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे तो बॉटम साइड आ जाएगा। हमने इससे को फर्स्ट टाइम में जो भी एक्सट्रूड करना है वो मिड प्लेन से करना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, बेसिकली ये हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर, जो प्लेन आगे शो होगा वो सेंटर में प्लेन शो करेगा, देन ओके। सो ये भी ब्लॉक रेडी हो चुका है बहुत ही कम टाइम में। अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये मेथड अच्छा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उनको शेयर कीजिए जो सॉल्डर्स का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं पार्ट मॉडलिंग के अंदर। थैंक यू।